हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पाव पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। दो दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी था, घर में थोड़ा सा चेकअप करवाना था बुआ वगैरह को। सो दो दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, नाइदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग। आज से स्टार्ट करते हैं, लेट्स रीस्टार्ट इट। वर्कआउट मैं कर रहा था, वर्कआउट नहीं छूट रहा था, बहुत लेट आ रहा था तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसी चक्कर में आई वॉज नॉट मेकिंग एनी वीडियोज़। आज बैक का सेशन है, बॉट अ न्यू टी शर्ट एज वेल फॉर अ परफेक्ट बैक। ठीक है, रीज़न ये है कि ये टी शर्ट हम बहुत दिन से खोज रहे थे, हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली आज जब हम एक मॉल गए सिटी स्टाइल, पता होगा बहुत जन को, तो सिटी स्टाइल में जाने के बाद फाइनली मिला एंड प्राइस इज़ वेरी लो। गेस कर सकते हो, जिन लोगों के पास वो लोग मत करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द बैक वर्कआउट नाउ। नॉर्मल लैट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट, एंड आगे फिर दिखाते रहेंगे। भैया वहाँ फोन लगा हुआ है, कैमरा चालू है वहाँ पे। सो डन विथ लैट पुल डाउन, अब रैक पुल लगाऊंगा, बट वहाँ पे बिजी है रैक पुल में। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले रैक पुल लगाएंगे, फिर सीटेड केबल ड्राइंग, उसके बाद और एक एक्सरसाइज होगा, दैट्स इट। So, 140 kgs, let's do it. I gotta stay awake, stay alive. It's all I need to find a way to make it in life. Have to believe or else the pain will take all the fight right out of me. So I just lay awake late at night, thinking of things that I can do to make progress. It's all in the process. Train the subconscious. That shit works, I promise. So take what you need, no breaks. Hit the speed, don't save anything. Don't waste all you could be. चार में से एक वर्कआउट नहीं दिखा पाया, सॉरी फॉर दैट, बट वर्कआउट अभी हो चुका है खत्म। अब चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोग को घर पे। The next day. So, day two. हम लोग जा रहे थे उसको पिक करने के लिए, और देर बाद वो दोस्त आया है एंड वी आर गोइंग टू द पार्क। लेट्स मूव देयर एंड आप लोग से फिर डायरेक्टली दोस्त के पास पहुंच के आप लोगों से बात करते हैं। मौसम है सुहाना, कुछ और बात नहीं है भाई, रात भर मैं नहीं सोया, मैं नहीं बोलने वाला, मैं सो के उठा हूँ घंटा, रात भर नींद ही नहीं आया। दोस्त के घर के पास पहुंच गए हैं और वो नखरा कर रहा है आने में, आ रहे हैं रुको, फ्रेंड थिंग्स, टाइम लगाएगा, अच्छा खासा टाइम लगा लेगा। वैसे मैं बता देता हूँ, बचपन का ही दोस्त है ये, एंड बाहर में डांस टीचर है, गुरुजी डांस के। मेरे अधिकतर दोस्त कुछ ना कुछ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब अधिकतर क्या, मेरे लाइफ में तीन चार ही दोस्त हैं दोस्त। सो आई गेस सब कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल कर, मैं जिम कर रहा हूँ या फिर मैं जिम के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब यूनिक है। बट उनमें से ये इसकी बात अगर करूँ तो ये डांस टीचर है जुम्बा का, लाइसेंस्ड। तुम्हारा भाई भी हो जाएगा कुछ दिन बाद सर्टिफाइड, नो वरीज। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं टाटा पार्क। कहाँ जा रहे हैं? टाटा पार्क। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा एक बात हम सोच रहे थे, सुना सुबह सुबह का टाइम है और 9 बजे तक कुछ नहीं, दिक्कत नहीं होती, तो
दूसरे दोस्त के पास चले? अभी नहीं जा सकते। क्यों? वापस आना है, घर का काम करना है। अभी तो ऐसे भी यहाँ एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही। अरे नहीं, तो ये जाने में तो आधा घंटे में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ही ट्यूशन लगाता है ना, क्लासेस भी है। हाँ। अच्छा हाँ, यही वो डांस टीचर, इसके बारे में बात कर रहा था, जुम्बा का टीचर है ये। किसी को जुम्बा सीखना है मेरे चैनल या फिर किसी कोई है जिसको जुम्बा क्लासेस में जानना है, थोड़ा बहुत डांस के बारे में फिटनेस अपना रखना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। इसका नंबर, ईमेल आई डी, इंस्टाग्राम, बाकी सब हम दे देते हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। भाई ये तो नया आया है, मैं यहाँ पर इतना साल से ले रहा हूँ, आज तक कभी ना ये खुला हुआ नहीं देखा मैंने। मतलब ऐसा ना हो कि हम आए और खुला हुआ मिल जाए। तुमको मिला? सोचिए नहीं रहता फिर भी। यही देखने तो आए हैं इतना भाई। और गार्डमैन का भी अच्छा एटीट्यूड है, उसको हम बोले, पूछे चाचा कहाँ है गाड़ी, तुमको देखा और इग्नोर कर दिया, बोलता दिख नहीं रहा, वहाँ पर तो हॉर्न मार रहा है। ठीक है, अबे इंजन के लिए रोक के रखा था तो भाई इन्हीं का पार्क है। टाटा टाटा लग रहा थोड़ा सा, ले पहन ले, हमको क्या, हम तो दिखाने के लिए आए हैं, हम तो खोल देंगे, हमको तो रिएक्शन चाहिए भाई। ऐसे भी आदत बन जाएगा फिर कि बाहर में विदाउट शर्टलेस भी अगर हम घूम जाए तो कैसा। वैसा अभी शर्टलेस वाला बॉडी नहीं है मेरा, समय रहते बन जाएगा। इधर ज़्यादा गर्मी नहीं, खाली धूप देगा ना तब गर्मी होगा, और उस टाइम चलेगा पूरा वे गर्म वाला। हाँ, पॉइंट बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा भाई। भूरे तो अच्छा है, नाइस, पूरा खाली है जगह, कोई है ही नहीं। अच्छा दो हैं, चाचा लोग हैं। धीरे धीरे, वी आर हियर फॉर अ मिशन, बिजनेस मिशन। हम लोग पुराना बिजनेस किया करते थे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस बिजनेस के बारे में, लेकिन छोड़ो रहने दो। बहुत खतरनाक पॉइंट, पीक पे था बिजनेस, फिर हम लोग ये सब बाहर हम लोग चले गए तो फिर वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाया। अच्छा है, फिर भी चलता है कभी कभी, ऐसे ही वहीं पर कर ले रहा है ये बिजनेस के साथ, अब प्रॉफिट भी कमा रहा है बोनस के साथ। हम लोग बिजनेस से, हम तो बिजनेस कर ही नहीं पा रहे, अभिषेक सही बिजनेस थोड़ा बहुत कर भी ले रहा है, तो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो कोई है नहीं पार्क में, वेट करते हैं, मिलते हैं आप लोग को थोड़ा आगे। तो भाई अभी उतना भीड़ तो नहीं है यहाँ पे, और होगा भी नहीं लग रहा है। हाँ वही, तो पैदल चल रहे हैं, स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि वही कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रही मछलियों की बात, वो तो नहीं रहे, ठीक तो मछलियाँ नहीं है। अब आगे चलते हैं, कुछ दिखाने लायक होता कैमरा उठाऊंगा, वरना वो जेब में ही रहेगा, इसमें मछली कहाँ से पलेगा। तो भाई लोग जो प्लान के लिए आए थे वो तो बिजनेस बैठा नहीं, अब हम लोग कहीं और जा रहे हैं बिजनेस बैठाने। बोलता है सर आप दे देंगे। चलो अब जा सकते हैं, वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। अभी लोधना ग्राउंड जाएंगे हम लोग। हाँ, ये पेड़ अच्छा लग रहा है ना, लूनी टून्स की दुनिया का पेड़। हाँ, वही कह रहे हैं नाटी वाला, लूनी टून की दुनिया। चलो लेट्स गो। सेकंड एरिया फॉर आवर मिशन। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पुराना, हम जब क्रिकेट खेलते थे, सो दिस वाज द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। JCA नाम था, जेलगोड़ा क्रिकेट अकेडमी। And this is the best place of mine. आज तक हम लोग एरिया का सबसे अच्छा ग्राउंड है ये। टाटा स्टेडियम से तो कम ही है, बट हाँ, इट इज़ समवट गुड। बहुत पहले आए थे, एक इंसिडेंट याद है, जब हम लोग एक ट्रेन में, हम लोग जब जा रहे थे वेस्ट बंगाल, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे घर से। हाँ, एक घंटा हम लोग यहाँ पर आके बैठे थे, हम लोग आधा एक घंटा यहाँ पर आके बैठे हुए थे ताकि ट्रेन आराम से आए। सो दिस वॉज द प्लेस, भरा हुआ है, मन कर रहा है मैं भी जॉगिंग कर लूँ, बट मेरे पास शूज़ नहीं है ना, इसके पास है स्लाइड्स में। हम लोग घूमने आए गाइस, जस्ट स्टेप्स कंप्लीट करना, मिलते हैं धीरे धीरे आगे। तो क्रिकेट खेलने के बाद अभी थोड़ा सा जिम आया था भैया को हाई बोलने के लिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ा देर बाद। मीट इन द होम गाइस, हमने टार्जन का कार डिस्कवर किया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, बनवा का ही नहीं देता भैया, मेरे पापा ने नहीं। तो इसको भाई बोलने का समय आ गया है, क्योंकि अब हम लोग जिम करेंगे, उसके बाद ही ऑब्वियसली जाएंगे ना धनबाद, तो हम लोग पहले जिम करेंगे,
इसका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है। अबे सीधा बोल रहे हैं भाभी बुला रही है इसको और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ भी बोल रहे हैं, समझ शर्म नहीं आती यार। देख यहाँ पर सिंगल मर रहा है तेरा एक दोस्त, उसका सेटिंग करा क्या तू क्या? हाँ दिखाना ही नहीं है, छोड़ दो कैमरा मेरे हाथ में ना भाई, छोड़ ना हम दिखा नहीं दे देंगे ठीक है भाई लोग, मीट यू इन द जिम नाउ एंड फिर शाम में जब लोग साथ रहेंगे सो आज का पूरा दिन आप लोग देखोगे बहुत दिनों बाद। ये सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं होता भाई हमको, एक तो हम तो रात तो सो ही नहीं थे, सुबह उठने के बाद वापस सो गए थे हम क्योंकि बहुत नींद आ रहा था हमको, तो 2-3 घंटे का नींद मार लिया। 11:40 हो रहा है, प्री वर्कआउट में सिर्फ एक केक खा रहे हैं और यहीं खा के बेंच का सेशन कम्प्लीट करना है, नेट शोल्डर का वर्कआउट है, तो दोनों जल्दी से लिपटाते हैं फिर मिलते हैं। सो वी आर फाइनली इन द जिम एंड आज मेरी फट जाएगी। क्यों फटेगी? आप लोग को वेट्स में आगे दिखेगा, अच्छा खासा वेट्स मारना है। आप कैसे स्माइल कर रहे हैं? 3 दिन के बाद मैं वापस। हाँ बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रहा है, कुछ दिन पहले 60 किलो फेल किए थे, आज अच्छा स्पीड में आया है। पॉज मारे, पॉज भी मारे, कितना खुश हो रहा है 60 किलो में पॉज मार के भाई। क्यों रीजन पता है, जब इंजरी के बाद जो उभरता ना इंसान तो खुशी अलग लेवल की होती है। हम लोग का फिलहाल हैवी सेट्स है सो 3 सेट्स देखेंगे एंड 3 ही सेट मारेंगे एंड ख़त्म कर देंगे एंड शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। चलो अब वर्कआउट के बीच में कोई बात है नहीं। एक छोटी सी चीज है जो शेयर करनी थी, लाइक लार्जन कभी अगर कर रहे हो बेंच प्रेस तो आपके ग्लूट्स को हमेशा टाइट रखा करो एंड बॉडी स्टिफ रखा करो, जितना उसको ढीला छोड़ोगे ऐसे उसको कोई सपोर्ट नहीं है, हो सकता है डिसबैलेंस हो जाओ या फिर गिर जाओ, तो ये बात याद रखो एंड सही से करो। थैंक यू गाइस। तो सही से अगर आप लोग देखोगे तो भाई शोल्डर में सिर्फ 3 ही वर्कआउट करना बेस्ट है आपके हिसाब से, बट अगर आप लोगों को फटीक प्रॉपर फील नहीं हो रहा है यू कैन गो फॉर मोर एक्सरसाइजेस, बट मेरे हिसाब से मैं 3 ही करता हूँ ठीक है। एक होता है नॉर्मल सीटेड मिलिट्री प्रेस, मतलब OHP सीटेड OHP करते हैं, फिर साइड रेजेस एंड उसके बाद थर्ड वाला डिपेंड करता है, रिवर्स फ्लाई भी मार सकता हूँ या फिर श्रग्स भी मार सकता हूँ, तो मेरे पर डिपेंड करता है। मैं इंडिविजुअल डेज पे इंडिविजुअल तरीके से अपना सेट्स को परफॉर्म करता हूँ, अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ अकॉर्डिंगली, आप भी कर सकते हो डिपेंड आप पे करता है। तो लास्ट वाला जो वर्कआउट है वो निपटाते हैं फिर घर चलते हैं। सो दिस वॉज श्रग्स जो कि खत्म हो गया, लेट्स रैप अप एंड गो होम नाउ, दिस इज द पंप, दैट्स इट। तो ही इज इन द हाउस। बेसिकली क्या हुआ था कि ये धनबाद गया था एक बार भाभी जी से मिलने, मिल के आ गया, ये मेरा घर वापस आया और हम लोग फिर अब यहाँ से वापस धनबाद जाएंगे, यहाँ से अभी कुटकी जाएंगे उसके बाद धनबाद जाएंगे। देख लो डिस्टेंस ट्रैवलिंग देख रहे हो,
रईस लोग भाई लिटरली इसको बोले कि हम जा रहे हैं बैंगमोड़ आ जा रहे हैं, मतलब बैंगमोड़ धनबाद से जस्ट पहले हम आ जाते हैं, कोई जरूरत नहीं हमारा तुमको लेना, ठीक है भाई मर्जी है, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो बस अब आ गया है तो जस्ट रेडी होते हैं फिर निकलते हैं, रेडी क्या होना तो पहन लो। तो भाई सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पुटकी, जो यहाँ से अराउंड अबाउट 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाएंगे, इसको मतलब अपने डांस टीचर से मिलना है, वेयर ही हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम व्हाइल लर्निंग डांस, उस जगह पे जा रहा है, टीचर से मिलेगा, गुरु जी लोग से मिलेगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे जूडियो, राइट जूडियो जाएंगे, हाँ जूडियो जाएंगे फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए। सो आप बने रहो वीडियो में, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम हम अपना पूरा दिन शूट कर रहे हैं भाई, पता है तेरे को, हम फर्स्ट टाइम अपना पूरा दिन शूट कर रहे हैं, कभी पूरा अपना दिन शूट नहीं किए थे, करते थे थोड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा करके, पहली बार हम स्टार्टिंग डे मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम क्या करेंगे, हम पूरा शूट कर रहे हैं, पब्लिक को भी पता चलेगा पहली बार कि साला करता क्या सुबह से शाम तक। तो भाई हर दिन मैं ये नहीं करता, बट हाँ जब दोस्त आते तो ऑब्वियसली होता है भाई, ये रहता है कर्नाटका में, अभिषेक रहता धनबाद में, मैं रहता हूँ यहाँ पे, तो सब अलग अलग रहते हैं, तो हम लोग को एक साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता है, हम लोग अपने अपने काम में पूरी बिजी रहते हैं, मेरा यूट्यूब है, मेरा थोड़ा बहुत जो कोर्स का लेके स्टडीज़ है वो है, ये अपना डांस टीचर बन चुका है, इसका तो कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफाइड ट्रेनर है डांस में, कोच क्या बोलते हैं तुम लोग में, इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर है, तो सबका अपना अपना एक ड्यूटी बन चुका है भाई, अब धीरे धीरे आगे देखना है, एंड वी विल प्रोग्रेस टुगेदर, होप्स हो कि भाई लोग का भी अच्छा हो जाए अपने एंड हम लोग का भी। भाई बाहर जाके मिलते हैं, हम अपने जोन में नहीं है। शॉपिंग पार्ट हो गया है ख़त्म, किसी को लेना था जो लेना था, हम लोग कुछ नहीं लिए, हम मतलब हम कुछ नहीं लिए हैं, हम लोग कुछ नहीं लिए हैं सिर्फ हम, हाँ सिर्फ ये लिया है। तो शॉपिंग पार्ट में क्या क्या लिया भाई, एक ट्राउज़र लिया है, दो टी शर्ट्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस इतना ही, बस ज़्यादा अमीर नहीं है ना हम लोग। तो या दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द फुल एरिया, ऊपर जा देख सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं, आप लोगों को कुछ खाएंगे पीएंगे फिर घर निकलेंगे।